मेरे ख्याल से लॉकडाउन इज़ गुड, लेकिन सारे लोग इससे इत्तफाक नहीं करेंगे। कहते हैं कि लोग भूखे मर जाएंगे, ये सही बात है, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं किया तो लोग ऐसे ही मर जाएंगे कोरोना वायरस से। लेकिन हम ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहाँ इंसानियत अभी तक ज़िंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन जितने भी NGOs हैं यहाँ पर, वो इसके लिए काम कर रहे हैं, लाइक राशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेसिक नीड्स। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जो ज़रूरतमंद है वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर मुकम्मल लॉकडाउन ना हो तो हमारा भी वही हाल हो जाएगा जो इटली का आज है। ये वायरस है और ये वायरस बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। इटली की मिसाल ले लें, वहाँ कोरोना वायरस का सिलसिला 23 जनवरी से स्टार्ट हुआ, जब एक चाइनीज़ कपल जिसका ताल्लुक वुहान से था, उन्होंने इटली विजिट किया। अगली सुबह उन्हें फीवर और खांसी हुई, दे वर टेकन टू हॉस्पिटल एंड फाउंड पॉजिटिव COVID-19। देखिए, जब भी मुल्क में कुछ होता है ना तो गवर्नमेंट स्टेप लेती है, और जो गवर्नमेंट स्टेप लेती है उसको कामयाब बनाना आवाम का काम है। इटालियन गवर्नमेंट टुक स्टेप एंड सस्पेंडेड ऑल द फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम चाइना और इमरजेंसी नाफिज कर दी। 6 फरवरी को एक और केस सामने आया, एक शख्स वुहान से अपने वतन वापस आया, उसको भी COVID-19। आहिस्ता आहिस्ता ये केस लंबर्डी में फैलना स्टार्ट हुआ और 38 साल आदमी को ये COVID-19 डायग्नोज हुआ। ही फेल्ट अनवेल एंड वेंट टू द डॉक्टर, डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्रिप्शन जो है इन्फ्लुएंजा की दी। 16 फरवरी को पेशेंट की और हालत खराब हुई, ही वेंट टू द डॉक्टर एंड रिपोर्टिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। फिर बाद में पता चला कि ये वायरस उसको उसकी वाइफ से ट्रांसफर हुआ है। अब सवाल ये है कि ये वायरस उसकी वाइफ में कहाँ से आया। इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ कि उसकी वाइफ ने अपनी इटालियन फ्रेंड से मुलाकात की, जो कुछ अरसे पहले चाइना से विजिट करके आई थी। फिर जब उसका टेस्ट हुआ तो शी फाउंड पॉजिटिव COVID-19। और वो जो 38 साल आदमी था, उसको सिम्टम्स होने के बावजूद उसने अपनी सोशल लाइफ बरकरार रखी और दर्जनों लोगों से मिलता रहा। 21 फरवरी को 16 मजीद केसेस सामने आ गए, इंक्लूडिंग दैट डॉक्टर हु प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट टू द 38-year-old मैन। और फिर 22 फरवरी को 77 साल औरत उसी एमरजेंसी रूम में गई जहाँ 38 साल आदमी था, बोथ आर डाइट। ये स्टोरी बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये किस तरीके से ये वायरस मैन टू मैन, ह्यूमन टू ह्यूमन और प्लेस टू प्लेस ट्रांसफ़र होता है। सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने एक्शन कब लिया। 22 फरवरी को इटालियन गवर्नमेंट ने करंटीना नाफिस किया, सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए और सारे पब्लिक इवेंट्स कैंसिल कर दिए। सवाल ये है कि ये इटली में ब्रेकआउट कैसे हुआ। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें यही लिखा था कि लोगों ने अपनी मूवमेंट स्टॉप नहीं की, वेकेशन अनाउंस होने के बाद वो अपने बच्चों को लेकर सीसाइड या दूसरी जगह वेकेशन मनाने चले गए। दिस इज़ द मेन रीज़न कि हम खुद कोऑपरेट नहीं करते और ना ही अपनी जिम्मेदारी सही से निभाते हैं। अगर आप ये समझते हैं मौत तो आनी ही है और मरना ही है, तो बेशक ऐसा ही है, लेकिन याद रखिए, जानबूझकर खुद को महफूज ना रखना, मौत के मुंह में डालना सुसाइड कहलाता है। इस वबा को जानने के बावजूद सोशल गैदरिंग बरकरार रखना, इसके फैलाव को बढ़ा के लोगों के जान खतरे में डालना, इकदामे कत्ल है।